हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीनियस ऑनलाइन क्लास में। तो स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि यह मैथ का वीडियो बनाया जा रहा है जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो देखिए, इसमें इतना दिया गया है, इससे हमें लाना है 0, ठीक है। तो चलिए इसे सिद्ध करके आपको बताते हैं। तो मान लीजिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड दिया है हमें 2, 7, 65 और यहाँ पर है 3, 8, 75 और यहाँ पर 5, 9, 86, ठीक है। मान लीजिए इतना दिया है, तो हमें क्या करना होगा इसमें कि जो C3 है इसमें हमें चेंजेस करना है, ठीक है। तो C3 में से हम क्या करेंगे, C3 - 9C2। अब देखिए इसको क्यों किया, देखिए इसमें अगर हम 9 सत्ते 63 होगा ना, 9C2 है तो 9 का गुणा होगा यानी 9 सत्ते 63। अगर हम 65 में से 63 घटा देंगे तो 2 मिल जाएगा। हमें क्या करना है, 0 लाने के लिए दो पंक्ति या दो कॉलम को क्या करना होता है, 0 करना होता है या फिर समान करना होता है, ठीक है। तो यही हम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम इतना करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 272। कैसे, देखिए यहाँ पर 65 है और यहाँ पर 7 है, 7 में अगर हम 9 से गुणा करेंगे 63 हो जाएगा, ठीक है। तो 65 में से जब हम 63 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। ऐसे यहाँ पर देखिए 38। अब इसी में हमें करना है क्या, 9C2 यानी 8 में 9 का गुणा करिए तो 9, 8, 72। अगर 75 में से 72 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ऐसे ही देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 5, 9 में अगर हम 9 से गुणा करेंगे मतलब 9, 9, 81 अगर हम 86 से घटा देंगे तो यहाँ पर 5 मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए हमें यहाँ पर इतना मिल चुका है। तो क्या है कि ये C1 जो है और C3 जो है दोनों क्या है, समान है, यानी हम कह सकते हैं C1 = C3, इसलिए क्या हो जाएगा, इसके बराबर 0, ठीक। तो जब 0 मिल गया तो यही तो हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब देखिए इसमें प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, इतना लेकर हमें 0 लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो यहाँ पर ABC है मतलब A से गुणा कर देंगे और B से गुणा कर देंगे और C से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हम पहले ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है 1BC A B + C और यहाँ पर 1CA B C + A और यहाँ पर फिर एक दिया गया है, यहाँ पर है AB C A + B, ठीक है। तो हमें इतना दिया गया है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसमें कि A से गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1BC AB CA, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 1CA BC और AD और यहाँ पर हो जाएगा 1AB और यहाँ पर CA और यहाँ पर BC, ठीक। इतना हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि अब यहाँ पर सॉरी यहाँ पर प्लस था तो प्लस प्लस प्लस, ठीक। तो अब हमें क्या करना है कि जो ये C3 है, C3 में हमें C2 जोड़ देना है, यानी यहाँ पर हमें करना क्या है, C3 में C3 + C2 यानी C3 में C2 को जोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए हमें जोड़ने पर मिल जाएगा क्या, 1BC। अब इसमें हमें जोड़ना है तो इसमें देखिए यहाँ पर AB + BC यहाँ पर जोड़ दीजिए तो BC + CA यहाँ पर है ही, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 1 और CA को ऐसे ही लिखिए और यहाँ पर देखिए BC की जगह पर हम पहले AB लिख रहे हैं तो AB + BC लिख लीजिए, फिर BC लिख लीजिए, फिर प्लस CA यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जब हम तीसरा नंबर जोड़ेंगे तो यहाँ पर AB + यहाँ पर देखिए AB हम पहले ही जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, AB + BC + CA, ठीक। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर AB BC CA AB मतलब इतना सब में है, तो हम क्या करेंगे इतना कॉमन कर लेंगे,
तो जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक, इतना बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा वन बी सी, यहाँ पर देखिए जब इतना कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, एक, ऐसे यहाँ पर देखिए वन सी ए, फिर यहाँ पर एक बचेगा और यहाँ पर एक ए बी और यहाँ पर भी एक। तो देखिए यहाँ पर हमें दो कॉलम मतलब सी वन है और सी टू बराबर मिल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बराबर जीरो, जो कि हमें राइट हैंड साइड सिद्ध करना था, ठीक है।